साधु बार्नबास प्रेरितो। साधु बार्नबास प्रेरित आज मंडली साधु बार्नबास प्रेरित पर्व पालन करूछि। परंपरा अनुजाई जेरूसलेम रो से जने प्रमुख ख्रीस्टियन बोली कुहा जाए। ग्रीक आ आरामाइक भाषारे बार्नबास बा जोसेफ नामरे तांकु जना जाए। प्रेरित कर्मग्रंथ 4:37 आमे पढ़ू से जने साइप्रेटिस जीवदी थिले। प्रेरित कर्मग्रंथ 14:14 आमे पढ़ू से जने प्रेरित नामरे नामित हेबा वर्णना करा जाइथिबा। बार्नबास एवं प्रेरित पाउल एही दुई जनो मिशनरी यात्रा करिथिले एवं जिहुदी मानक विरुद्ध रे अण जिहुदी धर्म परिवर्तनकारी को रक्षा करिथिले। से माने एकत्रित होई अधिक परिवर्तनकारी को प्राप्त करिथिले एवं जेरूसलेम रो परिषद बाद काउंसिल ऑफ जेरूसलेम रे अंश ग्रहण करी अणविजातीय शहर रे सचिवालय रे जोग देथिबा अणजिहुदी माननको मध्य रे प्रेरित पाउल वो बार्नबास दुहे सफलतार सह प्रचार करिबा कथा वर्णना करा जाय अछि। बार्नबास को कहानी प्रेरित कर्म ग्रंथ व्यतीत साधु पाउल को द्वारा लिखित किछि पत्र रे देखिबा को मिले। तेर्तुलियान तांकु एब्रियो मानक पत्रर लेखक भाबरे नामित करथिले किंतु एहा लेखा जिवार समय वो अन्यन्य विषय गुडी को अनुमानिक बोली कुहा जाए। अलेक्जेंड्रिया रो क्लेमेंट एवं किछि पंडित तांकु बार्नबास को पत्र लेखिछंती बोली मध्य कहंती किंतु तांकर लेखा खंडन करा जाय अछि। साधारणतः कोलोसियो 4 रे व्यवहृत शब्द आनापिसियोस को आधार करी बार्नबास सुसमाचार लेखक साधु मार्कंक निज संपर्कीय भाई बोली जणा जाए। ब्रिटानियार आरिस्टोबुलस ऑर्थोडॉक्स परंपरा अनुजाई बार्नबास जीशुंक 70 जण शिष्य मध्यरु जणे थिले। जदियो बार्नबासंक मृत्युर तारीख स्थान एवं परिस्थिति ऐतिहासिक भावरे प्रमाणयोग्य नुहे ख्रीस्टियन परंपरा अनुजाई बार्नबास को साइप्रस रो सलामिस रे शहीद करा जाइथिबा कथा कुहा जाए। से पारंपरिक भावे साइप्रस धर्म मंडली रो प्रतिष्ठाता भावरे परिचित। नूतन नियम रो कानन बाहरे प्रकाशित होइथिबा मंडली रो परंपरा अनेक साधु साध्वींको शहीदता को वर्णना करे जेउथुरे बार्नबासंको शहीदतार किंवदंती अंतर्भुक्त। एथिरे कुहा जाइछि जे सीरिया एवं सलामिस को आसुथिबा केतेक जिहुदी जेउठारे बार्नबास सुसमाचार प्रचार करथिले सेतेबेले तांकर असाधारण सफलता उपरे अत्यधिक क्रोधित होई से समाज गृहरे विवाद करूथिबा बेले तांकु टाणी नेइथिले एवं अत्यधिक अमानुषिक निर्यातना परे तांकु पत्थररे छेची हत्या कले। तांकर संपर्कीय जॉन मार्क जे एही बर्बर कार्यर निजे साक्षी अछंती से निजे एहाकु साक्ष्य देइथिले। जदियो तांकु पत्थर फिंगिबा द्वारा शहीद करा जाइथिला बोली विश्वास करा जाए तथापि बार्नबासंकर अपोक्रिफाल कर्मरे दर्शा जाइछि जे तांकु बेकरे एक दौड़ी रे बांधि दिया जाइथिला एवं तापरे जेउ स्थान रे तांकु पड़ी दिया जीवो सेही स्थान को टाणी निया जाइथिला। साइप्रस मंडली रो इतिहास अनुजाई ख्रीष्टाब्द 478 रे बार्नबास साइप्रस रो आर्च बिशप आंथेमियों को स्वप्न रे देखा दे कारब गछ तले तांकर कबर दिया जाइथिबा कथा कहिथिले। परदिन आंथेमियोस
स्वप्नरे जो भली बार्नाबास निर्देश देथिले ठीक सही भली बार्नाबास कबरस्थान कारब गछ तले थिबा खोजी बाहर कले खोजी बाहर करते से देखा पाइले बार्नाबास अवशिष्टांग एहा व्यतीत आश्चर्यजनक भावे से बार्नाबास माथ्यू लिखित सुसमाचार पांडुलिपि छाती उपरे धरी समाधिस्थ हेबा मध्य निजे देखि पारिथिले। तत्परे आंथेमियो कन्स्टांटिनोपोर सम्राट जॉन को बार्नाबास समाधि पाइथिबा सुसमाचार पांडुलिपि उपस्थापन करिथिले एवं तांको ठारु सही दिन साइप्रस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मंडलीर अधिकार ग्रहण करिथिले। आंथेमियो को अनुष्ठानिक भावे साइप्रस ग्रीक मंडलीर आर्च बिशप परिधान करुथिबा बैंगणी पोशाक दियागला जहा पर्वदिन मानकरे से परिधान करिबे एवं साम्राज्यर राजदंड एवं लाल रंगर कलम काली तांको हस्तखत निमन्ते प्रदान करागला। आंथेमियो स्थापरे बार्नाबास सम्माननीय अवशिष्टांश को निजे गिरजा गृह कबर देथिले। वर्तमान चर्च एवं मठ स्थान निकट रे होइथिबा खदन बा एक्सकाभेशन द्वयरु प्रकाश पाए जे गिरजारे दुईटी कबर स्थान प्राप्त करने कथा एथिरु विश्वास करा जाए गोटे कबर थिला साधु बार्नाबास आउ गोटे थिला आंथेमियो। एभली भावे साधु बार्नाबास साइप्रस मंडलीर इष्ट साधु भावे सम्मानित। यह व्यतीत से इटालीर मिलन भली पृथ्वीर विभिन्न स्थान इष्ट साधु भावे परिगणित करा जाए। जून मासर 11 तारीख रे लंडन चर्च रे प्रेरित बार्नाबास स्मरण करी तांकर पर्व पालन करा जाए। एभली भावे सारा विश्वरे तथा कैथोलिक मंडलीरे मध्य जून 11 तारीख रे तांकर पर्व को पालन करा जाए। साधु बार्नाबास प्रेरित आम मानंक निमन्ते निवेदन करंतु। आमेन।